मेरे सामने ये माइक रखा है, ये लोहे से बनाए गए। इसको बनाने के लिए लोहा को संस्थापित किया गया। इसके अंदर में जो पार्ट और पुर्जे हैं वो भी लोहा का ही है, कुछ तांबे का भी है। लोहा का भी खदान होता है और तांबे का भी खदान होता है, लेकिन जब तक वो लोहा या तांबा या पीतल या आदि आदि वस्तुएं सामान जब तक खदान में है अर्थात खनिज में है, तब तक उसका उस पर कोई संस्कार नहीं था। ना उन दिनों में माइक के नाम से उसको बोला गया और ना उन दिनों में किसी यंत्र में उसका प्रयोग हुआ। जब उस लोहे को संस्कारित किया गया, लोहे पर संस्कार डाला गया, संस्कार दिया गया, तब वह एक यंत्र में शामिल हुए या यंत्र में उसे शुमार किया गया। तो इस प्रकार से एक संस्कार शब्द जो आया है वह संस्कृत से ही आया है। मूल शब्द संस्कृत है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निर्भूल, निर्दोष, जहां पर दोष की गुंजाइश नहीं। उसी संस्कृत से ही बना है संस्कार, और संस्कार से है संस्कृति। तो संस्कार का मैं नवोद्वार यह बताया कि किसी गिरे हुए वस्तु को जब आप सुधार लेंगे, सुधार करेंगे, तो उस सुधार का नाम ही संस्कार है। और वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन में 16 संस्कारों की चर्चा हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि मानव जीवन में भी 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक। गर्भाधान के बाद मां के उदर में ही 3 संस्कार बोलते हैं गर्भाधान। तो संस्कार दिए बिना, संस्कार किए बिना हम चाहेंगे सामान हमें अच्छा मिले तो संभव नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु को आप अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, काम में लगाना चाहते हैं, तो पहले उस वस्तु को संस्कारित करना होगा। यही कारण बना कि यह संस्कारित करने वाला कौन होगा? संस्कारित करने वाला मानव कहलाएगा, क्योंकि जो मानव नहीं है वो नहीं जानता होगा कि संस्कार क्या है, और ना उनके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए हुआ है कि ऐ मानव, तुम्हारा नाम मानव पड़ा है, मानो तुम तभी कहला सकते हो जब तुमने संस्कार को अपनाया या अपना जीवन को तुमने संस्कारमय बनाया। यही कारण है हमारे वैदिक संस्कृति के माध्यम से मनुष्य मात्र को ऋषि मुनियों ने यही उपदेश दिया है कि हरेक को संस्कारित
होना चाहिए। क्यों? तो फिर मैं निवेदन करूं कि संस्कार इसलिए होना चाहिए, अगर हमें कहीं पर उपयोग में आना है तो उपयोग में आने से पहले हम अगर संस्कारित नहीं हैं, संस्कार को हमने नहीं जाना और उस संस्कार के आधार पर हमने अपने को तैयार नहीं किया, तो हमारा उपयोग होना या करना संभव नहीं होगा। हर रॉ मेटेरियल्स के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। तो जब आप उनको संस्कार करेंगे, संस्कार देंगे, तब वो कहीं काम में आने लायक बनेगा, जैसा कि ये माइक का उदाहरण मैंने दिया। दुनिया की किसी वस्तुओं को आप देखेंगे कि हर वस्तु जिसको हम उपयोग में लेते हैं, मोबाइल देख लीजिए, वो भी तो जो पार्ट पुर्जे हैं वो भी सब लोहे के हैं, तांबे के हैं, पीतल के हैं, लेकिन उनको तैयार किया गया, उस तैयार करने का नाम ही संस्कार। तो जब हम इन बातों से ये समझ रहे हैं या जान रहे हैं भली भांति कि लोहा मिट्टी के अंदर में है, एक खनिज पदार्थ है, और जब ये खनिज में या मिट्टी से हम लोहा जो बनाते हैं, तो मिट्टी को संस्कार देने के बाद ही लोहा में उसका नाम परिवर्तित होता है। इस मिट्टी को भी हम लोहा मिट्टी बोलते हैं। और इधर मैं गोवा साइड में भी खूब देखा ये सब काम करते हुए होते हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई भी चीज को हम खनिज से निकालेंगे तो जब तक उसको संस्कार नहीं देंगे, संस्कारित नहीं करेंगे, तो हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली वो वस्तु नहीं होगी। अब किसी एक शब्द को ले लीजिए, दुनिया में अपने वस्तु का देखिए बहुत सरल भाव से मैं बता रहा कि जैसा खनिज से सामान निकालकर, चाहे कोयला हो, अवरक हो, मिट्टी हो, पानी हो, तेल हो, यानी जो कुछ भी हम खदान से निकालते हैं, खदान से निकालने के सामानों में जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, उसको संस्कारित नहीं करेंगे, तो वो हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तु नहीं हो पाएगी। ठीक यही प्रमाण है कि मानव हम तभी बन सकते हैं जब हमें संस्कार मिले। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने अपने वेद मुकद्दस में मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि मनुर्भव मानव बनो। क्यों? कि तुम उन खदान से निकल करके आ रहे हो। जब तक तुम संस्कार को ग्रहण नहीं करते हो, तुम्हारे ऊपर संस्कार नहीं दिया जाता है, संस्कारित नहीं किया जाता है, तो तुम मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। अब यहां एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जिस पर आज धरती पर विचरण करने वाले जो अपने को मानव कहलाते हैं, उन्होंने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। कि यही कारण बना कि धरती पर आते समय ना कोई हिंदू बनकर के आया, ना कोई मुसलमान बनकर के आया, ना कोई जैनी बनकर के आया, ना कोई ईसाई बनकर के आया, ना कोई सिख बनकर के आया, ना कोई कुछ बनकर के आया। ये सब दुनिया में बनाए जाते हैं, दुनिया में बनाए गए हैं। लेकिन जब धरती पर आया तो केवल और केवल वो संस्कार लेने के लिए आया। जब तक हम उसको संस्कारित नहीं करेंगे तो उसका नाम मनुष्य भी नहीं बनेगा। इसीलिए वेद में परमात्मा का उपदेश है, मानव बनो,
यानी मानव कोई जन्म से बनता नहीं है, मानव दुनिया में आकर के ही बनना पड़ता है। और मानव बनता कब है? जब उसको ये पूरा संस्कार मिल जाता है। जैसा मैं माइक का उदाहरण रखा, मोबाइल का उदाहरण रखा, कोई भी सामान आप मैं घड़ी ये दिखा रहा हूं, ये घड़ी नाम इसका तब पड़ा, इसमें भी वही सामान है, लोहे का ही टुकड़ा है सारा। तो जब तक उसको संस्कार नहीं दिया गया तो उसका नाम घड़ी भी नहीं हुआ। जब तक इस माइक को संस्कार नहीं दिया गया तो इसका नाम माइक भी, माइक्रोफोन भी नहीं हुआ। जब तक संस्कार नहीं दिया गया तो इसका नाम भी एम्पलीफायर नहीं हुआ। तो मनुष्य संस्कार मनुष्य कैसे हो सकता है बोला? हिंदू और मुसलमान तो बाद में, इसलिए याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा ने अपने संतानों को यह ज्ञान दिया है कि है मेरे संतानों, सही अर्थों में संतान तुम हमारे हो। और हम कहते भी हैं इस बात को वेद के आधार पर, वेद एवं मुकद्दस में भी यही उपदेश आया है, तुम बिना पिता वसु तुम माता शतकता आधाते सुन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुम्ही वो माता च पिता तमीव, तमी वो बदुष च सखा तमीव, तमी वो विद्या दर्णम तमीव, तमी वो सर्वम मम देव देव। ये किसको कहा गया? जो सृष्टि करता, सृष्टि के रचयिता को कहा गया। अब वह हिंदू घराने के लोग ही कहते हैं या आर्य घराने के लोग कहते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहता, ईसाई भी नहीं मानता। तो हिंदू घराने के लोग परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहते हैं। किस आधार पर? वेद के आधार पर। वेद में यही उपदेश मनुष्य मात्र के लिए आया है कि वो पिताओं का पिता होने के कारण परम पिता, पिता इस आधार पर है पाल यती का पिता, जो पालते हैं पालन करने वाले हैं उनका नाम पिता है। अब ये किसान वालों से मेरी बात हो रही थी, अब इन अकल के दुश्मनों ने, अकल के पैदल चलने वालों ने, जिन्होंने अकल को अपने पास आने तक नहीं दिया और जिन्होंने कृष्ण को ही ईश्वर मान लिया। अब जब हम माता पिता बंधु सखा कह रहे हैं तो क्या कृष्ण रुक्मणी के पिता थे? कितनी नादानी वाली बात है, कितनी मूर्खता से भरी हुई बात है कि इस पर चिंता और विचार भी नहीं किया। मैंने तो उसको बोला तुम्हारा प्रभुपाद स्वामी भी नहीं जाता था, मेरे को तुम कहां जाओगे? तो ये वेद के खिलाफ प्रलाप हो रहा है। मुसलमान और ईसाइयों का प्रचार तो पाल करा, पहले तो हिंदुओं ने ही कंडम कर रखा इस वेद को, जो अपने को हिंदू कहते हैं, जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, जिन्होंने वेद के वाक को नहीं जाना। मैंने कहा कि भाई जो वेद का हवाला आप बता रहे हैं कि वेद में कृष्ण शब्द आया था, वेद में कृष्ण शब्द आया, कृष्ण के माने वो वासुदेव पुत्र कृष्ण नहीं है, क्योंकि वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के नाम अगर व्यक्त हो जाए तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। मैं जाकिर नाइक को भी यही चुनौती दिया, जाकिर नाइक कह रहा कि मोहम्मद का नाम है, क्या आए को दिखाओ, वेद में मोहम्मद का नाम होना संभव ही नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश वेद में नहीं है, क्योंकि परमात्मा का दोष लगेगा। दुनिया वाले इसको जानने का प्रयास नहीं किया। अभी कह रहे कि वेद में कृष्ण शब्द आया, तो कृष्ण शब्द आया इसका मतलब वो वही कृष्ण है जो मथुरा में जन्म लिया, मथुरा वाला कृष्ण है, और ये प्रभुपाद स्वामी के लोग ये उसी कृष्ण को ही मान रहे हैं कि जिनका जन्म मथुरा में हुआ है, वो परमेश्वर है। अरे वो परमेश्वर है, वेद में आया उनका नाम, तो परमेश्वर अगर है तो क्या परमेश्वर को शादी करनी पड़ती है? और यही हिंदू
ये लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने आमिर खान ने जो फिल्म बनाई पीके, वो हिंदुओं का कंडम किया है। अरे हिंदुओं का कंडम किया, लेकिन ये तो बताओ कि जो कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, उस कृष्ण के जो शादी करते हैं उसके साथ 16,108 पटरानियां हिंदुओं ने लगाया है, मुसलमानों ने लगाया है। पर ये हिंदू सोचने के लिए तैयार नहीं, बदनाम तो खुद किए जा रहे हो भाई। महिला पर कपड़ा लेकर कृष्ण को पेड़ पर चढ़ाते हुए अभी कहने दिखाया, कहने के बाद में दिखाया। दुर्भाग्य है ये लोग अपने को मानव कहलाते हैं। अरे मानवता है कहाँ है तुम्हारे पास? तुमने मानवता को जानने का भी प्रयास किया है क्या? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये दुर्भाग्य है कि हम मानव बनकर के नहीं आए। जब तक हमें संस्कार नहीं मिलेगा, जब तक हमें संस्कारित नहीं किया जाएगा, जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे, तो हमारा नाम मानव कभी भी बनना संभव नहीं। इसलिए हमें मानव बनने का उपदेश दिया है परमात्मा ने वेद में कि मनुर्भव मानव बनो। मानव बनने के लिए संस्कार अत्यंत जरूरी है, अति आवश्यक। संस्कार के बिना मानव कहलाने की हकदारी नहीं हो सकती। लेकिन हिंदू इन बातों को सुनने के लिए तैयार है, तो कह कहते हैं कि हिंदुओं का विरोध कर रहा है। अरे हिंदुओं का विरोध कर रहा है कि तुम अकल से पैदल चल रहे हो, उन अकलों के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हो। तुम खुद समझने के लिए तैयार नहीं हो, तुम कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, तुम्हें खुद को मालूम नहीं। और ऊपर से सबको नकारते हुए, सबको इनकार करते हुए कह जा रहे हो हिंदुओं का विरोध हो रहा है। हम हिंदुओं के विरोधी नहीं है, यह गलतफहमी के शिकार है। ना मैं हिंदुओं का विरोधी हूं, ना मैं मुसलमानों का विरोधी हूं। मैं अगर विरोधी हूं तो असत्य और अधर्म का विरोधी हूं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में असत्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अधर्म के लिए भी कोई जगह वैदिक संस्कृति में नहीं है। अब असत्य करने वाला एक समय में कोई हो सकता है, अधर्म करने वाला भी कोई हो सकता है, उनका समर्थन न देना यह मानवता है। तो जब मानवता पर हम कुठाराघात कर रहे हैं और मानवता पर कुठाराघात करने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये वेद में है, वेद में कृष्ण शब्द आया है, तो वेद में कृष्ण शब्द आने से ही वही मथुरा वाला कृष्ण ही होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दे रहा हूं, लेकिन हिंदू तो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि समझदारी न मालूम इन्होंने किस समुद्र में डाल दिया, मैं नहीं जाना। जब हम योगेश्वर कृष्ण की जीवनी को पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि योगेश्वर कृष्ण के साथ अर्जुन के संपर्क और संबंध का, तो अर्जुन के साथ योगेश्वर कृष्ण के संपर्क और संबंध को जब हम देखते हैं तो योगेश्वर कृष्ण के अर्जुन साथी थे, मित्र थे, इसके बावजूद भी एक रिश्ता और था। वो रिश्ता क्या था? वो रिश्ता था योगेश्वर कृष्ण के फुफेरी बहन से शादी हुई थी अर्जुन की, जिनका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा थी कौन? ध्यान लगाकर सुनना मेरी बात। सुभद्रा थी योगेश्वर कृष्ण के पुत्री बहन। तो पुत्री बहन के पति कृष्ण के क्या लगे भाई, जरा आप लोग बताइए। तो इन अकल के दुश्मनों ने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा परमात्मा का भी कोई पहलू ही होता है? अरे शर्म करो, पर शर्म वालों को ही तो शर्म होना है, बेशर्मों को शर्म कहाँ है? अभी सच्चाई को कहें तो बोले तो हमारा विरोध कर, अरे ये विरोध है। विरोध क्या है वो तो आप जानते ही नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये वेद के साथ कुठाराघात हुआ, तो मैंने वहां निवेदन किया, एक बार से बात हो रही किस वालों से, पर ये वेद है ना, वेद में कहा है बोलो, तो वो नहीं बता पाए किस वेद में, किस मंडल में, किस अध्याय में कौन सा मंत्र है, रेफरेंस नहीं दे पाए।
मैंने कहा कि है ही नहीं, तुम रेफरेंस लाओगे का? ये तो बात कर रहा है कौवा काल ले गया, कौवा काल ले गया, कौवा के पीछे वाली अपने कान में हाथ लगा कर देखने का प्रयास किया। यही कारण बना कि हमारे जितने भी ऋषि मुनिगण हुए हैं, इवन स्वामी विवेकानंद जी तक, यद्यपि स्वामी विवेकानंद जी के साथ वेद का इतना संपर्क नहीं था, नजदीकी नहीं थी, तथापि उन्होंने वेद टू वेदास बताया, वेदों की तरफ लौटो बताया। क्यों? कि वो जान चुके थे कि सत अगर कहीं है तो वेद की, क्योंकि सत को अस्वीकार करना यह संभव ही नहीं है, कहीं ना कहीं सत को लाना ही होगा, सत को लेना ही पड़ेगा। यही कारण बना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वेदों के तरफ लौटो। क्यों? कि अगर तू इंसान हो और इंसान जो सत के साथ चलता है, सत को लेकर चलता है, जो संस्कारित होता है, उसका नाम इंसान होता है, उसका नाम मानव पड़ता है, और मानव बनने के लिए वेद के संस्पर्श में, वेद के टच में आना जरूरी है। लेकिन ये लोग वेद को तो छोड़ जा रहे हैं, वेद से अलग होते जा रहे हैं, वेद से अपना दूरी बनाए हुए हैं, वेद को किनारे लगाए हुए हैं। जिस वेद को अपनाना था उस वेद को छोड़ करके पुराणों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं रामचरितमानस के पीछे भाग रहे हैं, कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो सब कहां है? जब आप उन्हीं मुनि ऋषियों का हवाला देते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद का मानना तो तभी होगा जो उपदेश उन्होंने दिया है, उस उपदेशों को अपने जीवन में उतारना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कहां कहा है, कहां बताए हैं कि पुराणों का तरफ लौटो, कोई भी दिखा दे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द कहे ही नहीं, भले ही वेद के साथ उनकी नजदीकी ना रही हो, लेकिन जितना भी उन्होंने जाना था उतना ही उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने चिकागो में भी एक छोटा सा वेद टुकड़ा बोल करके सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पय, इस वेद मंत्र को उन्होंने लिया। लेकिन ये हिंदू उसको जानने का भी प्रयास नहीं किया। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? दुनिया के लोगों, वेद से मैं ये हवाला दे रहा हूं, वेद से ये प्रमाण दे रहा हूं कि सूर्य चंद्रमा जो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी उसे रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की इस वेद वाक्य को हिंदुओं ने नकारा। इसीलिए कहने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम मानव तभी कहला सकेंगे जब हम संस्कारित होंगे। अगर संस्कार नहीं हमारे ऊपर, हम मानव कहलाने का अधिकार नहीं। इसलिए हमारे यहां वैदिक संस्कृति में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। ऋषि दयानंद ने संस्कारों को इकट्ठा करने के लिए संस्कार विधि पंच महायज्ञ विधि बताया है। संस्कार के ऊपर उनकी दो पुस्तकें, जिस संस्कार विधि में ऋषि ने गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार बताए, कौन सा संस्कार का नाम क्या है, वो संस्कार कब करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन मंत्र का उच्चारण वहां करना है, इन सब विधि, उसका नाम विधि है। विधि माने होता है तरीका, विधि माने होता है पद्धति, विधि माने है सिस्टम। और योगेश्वर कृष्ण भी इस पर जोर दे रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण भी लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मंत्र हीनम, पहला शब्द अपने मंत्र से ही है। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता वो यज्ञ यज्ञ नहीं है, मंत्र ही नहीं, जहां मंत्र के उच्चारण ना हो। दूसरा शब्द फौरन लिया है विधि हीनम, जो विधि विधान के अनुसार ना किया जाता हो,
ना किए जाते हो, वो यजभी यज नहीं है। वहां पर योगेश्वर कृष्ण ने दक्षिणा के ऊपर भी बल दिया है कि पुरोहित को तुम्हें दक्षिणा देना है, अध्यापकों को दक्षिणा देना है, समाज के अधिनायकों को, समाज के पथ प्रदर्शकों को, गुरुजनों को दक्षिणा देना है। योगेश्वर कृष्ण वहां पर बल दिया। लेकिन मैं ये दो शब्द दे रहा हूं कि विधिहीनम शब्द आया वहां और मंत्रहीनम शब्द आया। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि मंत्र केवल वेद के ही होते हैं, वेद के अतिरिक्त, वेद के अलावा कहीं पर भी मंत्र नहीं है, वो सब श्लोक है। तो श्लोक से यज्ञ अगर करते हैं तो वो यज्ञ यज्ञ नहीं, श्लोकों से यज्ञ का होना संभव नहीं है। और एक दिन पर अच्छी बात है। तो जो जहां पर वेद के मंत्रों का उच्चारण न किया जावे वह यज्ञ यज्ञ नहीं है, और जो विधि विधान के अनुसार न किया जाए वह यज्ञ भी यज्ञ नहीं है। तो वो संस्कार करने के लिए संस्कारित न हो तो संस्कार करना संभव नहीं होगा। देखिए हमारे बड़े बाजार से हमारे बड़े पुराने साथी हैं, और साथी क्या करवट कार्य करता है, परमात्मा के असीम अनुकंपा है कि जिनके दिल में राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और इच्छा रखते हैं कि राष्ट्र के अंदर में जो वैदिक संस्कृति पर कुठा लगा हो रहा है, हम कैसे वैदिक संस्कृति को बचाएं, ये मंशा लिए फिरते हैं। तो मेरे साथ हमदर्दी है थोड़ी सी तो अपने को रोक नहीं पाए, काम काज छोड़ करके उपस्थित हो गए हैं। हमारे भाई असीम बाबू जी ने शायद बताए होंगे कि बुला नहीं हो रहा, मैं तो बताया ही था। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात यह हो रही है कि संस्कार वही कर सकता है जो संस्कारित हो, जो स्वयं अपने आप में संस्कारित नहीं वो संस्कार भी नहीं कर सकेगा। तो अपने आप में संस्कारित कौन, बोले मानव ही अपने आप में संस्कारित हो सकता है, और मानव को जब तक संस्कार दिया नहीं जाता तो वो मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं। तो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने इस पर बल देते हुए कहा कि हम धरती पर जब आए हमारे ऊपर संस्कार उस तरीके से हो। तो तीन संस्कार ही मिलते, अभी तेरा बाकी है, क्योंकि तीन संस्कार मां के उदर में ही हुए थे, अभी तेरा संस्कार, तेरा नहीं तो कम से कम बारह तो है ही, तेरा तो अंतिम नहीं है, सोलह संस्कार वाला। लेकिन यहां जो बारह संस्कार और है, कहां कहीं कर्म भेद है, कहीं नामकरण है, कहीं अन्नप्रश्न है, कहीं वेदारंभ है, ये सब संस्कार। तो हमारे सारे ऋषि मुनि जन कह रहे हैं कि इन संस्कारों को जब तक तुम अपने आचरण में नहीं लाते हो तो याद रखना तुम मनुष्य कहलाने के हकदार। इनमें से कोई हिंदू कहला सकता है, मुसलमान भी कहला सकता है, ईसाई भी कहला सकता है, जैनी भी कहला देगा, मोदी भी कहला देगा, लेकिन मनुष्य का कहलाना संभव नहीं होगा। योगेश्वर कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर संस्कार नहीं होगा तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं बनोगे। जैसा मैं उदाहरण दिया ना, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सब इंस्ट्रूमेंटों को भी आप उसी तरीके से देखेंगे, जब तक उनको संस्कार नहीं दिया जाएगा तो उसका नाम माइक पड़ेगा नहीं। जब लोहे का टुकड़ा था तो उसका नाम माइक नहीं था, वो केवल लोहे का ही टुकड़ा उसको कहा जाता था। जब इसको संस्कार दिया गया, संस्कार संस्कारित किया गया, तब इसका नाम बदला। इसीलिए मनुष्य के लिए ही ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐ मनुष्य, तुम मनुष्य तो साधारण शब्द है तुम्हारा, लेकिन याद रखना तुम्हें आने वाला समय में केवल मनुष्य नहीं तुम्हें देवता बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है, देवत्व तक पहुंचना है। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है, जमीन के अंदर से निकलते नहीं है, आसमान से टपकते नहीं है, देवता मनुष्य से ही देवता बनते हैं और मनुष्य से ही राक्षस बनते हैं। एक गुण वाचक शब्द है और एक
अवगुण वाला, एक शब्द संस्कारित वाला है, एक सुसंस्कारित है और एक कुसंस्कार। अब जो कुसंस्कार को अपनाया उसका नाम राक्षस पड़ा, और जो सुसंस्कार को अपनाया उसका नाम देवता हो गया। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ज्यादा जानकार पढ़ा लिखा किताबी ज्ञान रावण कोठा, चार वेदों के जानकार थे, छह शास्त्र के जानकार थे, लेकिन आचरण में नहीं था, जीवन में उतारे नहीं थे। तो जीवन में ना उतारने के कारण उनकी वृत्ति राक्षसीय वृत्ति, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितना जानते थे उस पे उतना ही अमल करते थे, देवत्व वृत्ति। अब यहां वृत्ति में अंतर आ गया, एक संस्कार सु और एक संस्कार कु। देखिए कितना सरल से सरलतम की ओर हम लोग आ चुके। तो आदि सृष्टि से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया है कि तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा संस्कार, और इस संस्कार को उतारने के बाद ही तुम अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी अपनी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हम इतने लोग बैठे हैं तो मुझे आपने ऊपर बिठा दिया, तो इसमें भी तो अंतर हम देख ही रहे हैं ना भाई, कि हर कोई वक्ता नहीं है, वक्ता एक होते हैं श्रोता अनेक होते हैं, है ना, हर श्रोता वक्ता नहीं बन जाते और हर वक्ता भी श्रोता नहीं होंगे। इसीलिए याद रखिएगा, जैसा वक्ता को विद्वान होना जरूरी है वैसा श्रोताओं को बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अगर श्रोता बुद्धिमान नहीं है तो कुछ भी बोले। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस पर बल दिया है और उसी आधार पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के लिए कहीं कोई चर्चा किसी के पास है, आप छोड़िए आर्य समाज को छोड़ करके कहीं पर जाकर के देखिए दुनिया के किसी कोने में कहीं पर ये चर्चा नहीं, वो जानते नहीं ये चर्चा क्या है। तो हमें अपनी तैयारी होनी चाहिए, यही मैं निवेदन कर रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब आदेश तो उनके पिता का नहीं था, आदेश तो विमाता का था, विमाता ने कही थी कि आपके ज्येष्ठ पुत्र को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजना होगा, यही थी ना बात, हमारा इतिहास यही कह रहा है ना। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन दिनों में अड़ गए होते, हम जैसे होते तो अड़ जाते, या हमारे जैसे होते तो अड़ जाते, कौन है भाई चला चलो मुझे भेज करके दे। लेकिन राम देखिए यही तो कारण है कि हमारी मर्यादा को लोगों ने जाना है, 9.5 लाख वर्ष होने के बावजूद भी हम राम को क्यों पूछते हैं। पूजने का मतलब श्रद्धा का है, पूजने का मतलब उनके आदेश का पालन करने का है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं कि उनका जीवन आदर्शमय जीवन था, और रावण का नाम क्यों नहीं लेते, कि उसने अपने जीवन को आदर्श को जाना नहीं, राक्षसीय वृत्ति। राक्षस कोई कौम का नाम नहीं होता है कि यहाँ सिंह हो या ये होगा वो होगा दुनिया भर का, वो सब नहीं है, राक्षसी एक वृत्ति का नाम है, असूर्य एक वृत्ति का नाम है, उस वृत्ति को अपनाने वाले का नाम राक्षस है, रावण है आदि आदि। यही तो कारण बना ना कि इसीलिए हम जैसे गृहस्थी लोग अपने बेटा का नाम कोई रावण रखना नहीं चाहेगा, सूर्य का रखना नहीं चाहेगा, यही तो सब कारण बनता है। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि इस तरीके से आपको संस्कारित होना है, जब आप संस्कारित हो जाएंगे तो क्या होगा कि आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनेंगे, जब आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव खत्म,
क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य मनुष्य के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। परमात्मा का उद्देश्य आर्य समाजियों के लिए नहीं है, परमात्मा का उद्देश्य मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, कुरान का उद्देश्य मुसलमानों के सिवा औरों का है। मैंने कह रहा कुरान कह रहा, पूछ लीजिए। कुरान का कहना यह है, औरों के लिए कुरान मुखातिब है। लेकिन वेद में इस प्रकार की कोई चर्चाएं आप नहीं मानी। वेद में यते एवं वाचम कल्याणी मा बलानी जनभ्या, यह कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब मानव मात्र के लिए आया, यहाँ पर हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, आदि आदि किसी का नाम। तो हम जब मनुष्य है, संतान है, जिस परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है, तो ये भेदभाव बीच में ये बकेड़ा कैसा है? इसलिए आगरा वाला प्रकरण में मैं ये बोला कि भाई ये लोग दोष लगा रहे हिंदुओं पर, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लोभ और लालच देकर के हिंदू बनाया गया। पर मेरा सवाल उन मुसलमानों से है कि वो मुसलमान कैसे बने थे, वो जरा अपना बता दें। माटी उदर से तो मुसलमान बन के आए नहीं। जब माटी उदर से कोई मुसलमान बनकर के नहीं आया, तो वह मुसलमान बना कैसे भाई? पता लगा उसको बनाया गया, तो जो बनाया वो कौन था? तो वो उसी इस्लाम के प्रवर्तक थे, इस्लाम के प्रचारक थे। बौद्धिस्ट कौन बनाया? जो बौद्धिस्टों के प्रचारक थे, उन्होंने बताया, दुनिया वालों के सामने नारा लगाया, बौद्ध शरण गच्छामि। तो हमारे यहां ये भेदभाव है। तो एकमात्र पाठ है मानवता, मानव बनने के लिए, और मानव बनने के लिए मानवता का पाठ अगर कहीं है तो वो वेद में है। वेद से इतर कहीं पर भी मानवता का पाठ दुनिया वाले नहीं जानते हैं। यही कारण बना कि हमारी वैदिक संस्कृति में हमें मनुष्य मात्र को क्या उद्देश्य दिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम्, पूरी वसुधा आपके कुटुंब है, रिश्तेदार है। इसीलिए वेद का काम है मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना, और ना हक हमें बदनाम किया जा रहा है, ना हक हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, ना हक ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू लोग तो समाज को बांट रहे हैं। भाई हम बांट रहे हैं, बांटे तो आप ही लोग ही हैं। तो हिंदुओं के लिए ही है ये वैदिक संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति इस्लाम वालों के लिए नहीं, इस्लाम वाले नहीं मानते इसको। अगर मान ले तो फिर हमारे रूप में वेद क्या रह जाएगा? और मानने के लिए परमात्मा का उद्देश्य सबके लिए, क्योंकि परमात्मा के पास वेद ही नहीं है। तो भेद जो खड़ा हुआ है वो अपने आप ही खड़ा किया है परमात्मा की ओर से, ये भेद खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए हमें यह जानना पड़ेगा कि परमपिता परमात्मा का उपदेश जब मनुष्य मात्र के लिए है, तो उस मनुष्य में भेद डालना, मनुष्य में आपस में मतभेद तैयार करना, आपस में फूट डालना, ये मानवता पर ही कुंडलाघात होगा और हो रहा है, कर रहे हैं। अब देखिए मानवों को तो छोड़िए, ये बगदादी क्या कर रहा है? एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को मार रहा है। अब कुरान ही कह रहा है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। इसलिए मैंने अल्लाह से भी फरियाद किया, ऐ अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? और केवल जन्नत में पहुंचने के लिए सारा काम हो रहा है। तो हमारे यहां वेद में इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। वेद में केवल और केवल मानवता की बातें हैं, मानव को मानव से जोड़ने की बातें। हमारे यहां फूट डालने वाली बातें नहीं है। ये फूट डालने वाला काम उन लोगों से हुआ, चाहे वो मुगल काल में हुआ हो या अंग्रेजी काल में।
लेकिन उससे पहले भी देखें, आज भी देखें। अब मैं प्रमाण दूंगा तो आप लोग तिलमिला जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मैं जीते जाता प्रमाण दे रहा हूं कि पहले भी हमारे लोगों में भेद, क्योंकि वो वेद के आधार पर चलते थे, वैदिक संस्कृति को अपनाए हुए थे, वेद के आधार पर 16 संस्कारों को लोग अपने जीवन में उतारते थे, उतारे हुए थे, और वही संस्कार वाला व्यक्तित्व आज अगर आया है तो वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में आया है, जो दुनिया वालों को सहन नहीं, दुनिया वाले इसको सहन नहीं कर पा रहे, फिर सत्य है, और सबको लोगों ने किनारे क्या कर लिए, पीता है फूकते। अरे यार सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई को जानो। आप कहेंगे कैसा, तो देखिए मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं, और इस पे कहीं पर भी मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, आपको इसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विचारों में कहीं पर भी आप लोग देख रहे हैं कि आपत्तिजनक है तो फौरन रोक लेना, रोक देना मुझे कि पंडित जी इसको और क्लियर की। उदाहरण के रूप में मैंने बोला कि हमारे पूर्वजों में वेद के अनुसार चलने वालों में भेदभाव कभी भी मानव समाज में उन्होंने न किया है, न भेदभाव है वेद में, न वेद में भेदभाव करने की अनुमति है। इसलिए ऋषि देव दयानंद ने आर्य समाज के नियम में वो लिखते हैं कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करना चाहिए, कि जिसको वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्होंने अपने जीवन में उतारा। क्यों? कि यह संस्कार से संस्कार। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो संस्कार अगर मानव समाज में किसी ने दिया है तो दो संगठन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, एक संगठन का नाम है आर्य समाज और दूसरा संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये दो ही संस्था ऐसी हैं जो मानव को मानव बनाया है, मानव को मानव बनाने का प्रयास करते हैं, मानव को ये आभास कराते हैं क्या है मानव, तुम ऋषि के संतान, इसलिए ऋषियों के गुण भी तुम्हारे में होनी चाहिए। अब नरेंद्र भाई मोदी ने कहा क्या होगा, देखा भी हुआ ताकि आप लोगों को भी एहसास हो जाए कि महेंद्र पाल जी सही बोल रहे हैं या गलत, मैं कि ये आप सब लोगों को मालूम है कि अभी पिछले दिन कश्मीरियों पर दैवीय प्रकोप आ गया, जिसको हम तीन दुखों में एक दुख मानते हैं, आध्यात्मिक आदि दैवी, आदि भौतिक और आदि दैवी। तो आदि दैवी के माने दैवीय प्रकोप, तो दैवीय प्रकोप अभी पिछले दिनों में कहां आया, किस प्रांत में आया, कश्मीर प्रांत में आया। और कश्मीर प्रांत में आया तो क्या वो नीचे वाले हिस्से में आया या ऊपर वाले हिस्से में आया, थोड़ा आनंद लीजिएगा, यह आनंद हर जगह मिलेगा नहीं, ना हाफिज सईद इस आनंद को दे सकता है क्योंकि मानव समाज को बांटा हुआ है, मानव समाज का कुठाराघात कर रहे हैं, तो मानव समाज पर कुठाराघात करने वाले लोगों के पास ये बातें थोड़ी पा जाएंगे आप। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा ये तूफान जो आया, ये दैवीय आपदा जो आई, वो कश्मीर के निचले वाले हिस्से में आई या ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से में, श्रीनगर वाले हिस्से में, उससे आगे आगे वाले हिस्से, ठीक। तो जरूर आप लोगों को भौगोलिक दृष्टि से ये भी पता होगा कि श्रीनगर में हिंदुओं का निवास है या मुसलमानों का। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं दिल्ली से आया भाई, कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली की दूरी 1500 किलोमीटर है, इसलिए जब ऊंची आवाज से बोलेंगे तब मैं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए थोड़ी ऊंची आवाज से बताना पड़ेगा। तो जब वहां मुसलमानों का ही आधिपत्य है श्रीनगर, और उन मुसलमानों पर दैवीय आपदा, जब क्या
आपदा आ जाए, आप कुरान से कहीं भी नहीं दिखा पाएंगे कि अल्लाह चाहते हैं मुसलमान को छोड़ा, बल्कि वो तो अल्लाह से फरियाद किया जाए, रब्बना वज्अलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वहां तो मुसलमान मर्द और औरत के लिए भी अल्लाह से दुआ की जा रही है, अल्लाह से मांग की जा रही है कि ऐ अल्लाह ऐ रब्बुल इज्जत मुसलमानों को सही सलामत रखे। इसके बावजूद भी अगर दैवी आपदा आ जाए तो वो लोग थोड़े कहेंगे कि अल्लाह ने भेजी है, अगर भेजा तो परमात्मा ने भेजा ही होगा। लेकिन वो बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे परमात्मा पर भेदभाव का आरोप लगना संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा भेदभाव से बहुत दूर है। वेद का पहले हवाला दे चुका हूं। तो जब अल्लाह ने चाहते कि मुसलमानों पर मुसीबत टूट पड़े, मुसलमानों पे आपत्ति आ जाए अल्लाह की नहीं, तो फिर अल्लाह के सिवा वहां भेजा कौन? चलो भाई कोई भी भेजा होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कश्मीरियों को बचाने के लिए छवैया के रूप में प्रस्तुत कौन थे भाई? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। क्यों? कि एक पिता होने के कारण पिता के पास भेदभाव नहीं है, जैसा परमात्मा पिता है परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है, वैसे ही प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होने के कारण सभी उनके प्रजा हैं, और प्रजा होने के लिए प्रजाओं के साथ लोगों को जीते जी कहीं दीवार पे चिरवाया, कहीं फांसी में लटकाया, कहीं आरी से चिरवाया, कहीं कुछ हुआ। हमारे जो अंतिम पांच गुरु है ना, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, सब इस्लाम के हर शहीद हुए हैं। अक्सर अपने अपने जवान बेटों को दीवार में चिमाते हुए देखा है। लेकिन मैं नहीं बदल कर रहा था, ये देखिए जरा विचार करके कि जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे राजा हैं, और राजा होने के कारण अपने प्रजाओं के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। क्यों? कि भेदभाव करने से दोष लगेगा, लेकिन इन दुनियादारों ने जिनको मौत का सौदागर कहने में जरा सा भी संकोच, जिनको मौत का सौदागर बताया, वो भी बताया किनके द्वारा गया, सब बात से हुआ, नाम दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक राजा होने के कारण प्रजा की सुरक्षा, प्रजा की रक्षा में अपना समय अतिवाहित करना ये महान आत्मा का काम है। अगर वो संस्कारित न हुए होते, संस्कार उनके ऊपर न चढ़ाया गया होता, संस्कार उनको न दिया गया होता, संस्कार के बारे में उनको अगर न बताया गया होता, तो यह काम होना संभव नहीं। जबकि उस संस्कार से संस्कारित नरेंद्र भाई मोदी के सिवा अब तक जितने भी हुए हैं किसी के ऊपर ये संस्कार नहीं था, मैं दावा के साथ कहता हूं। मनमोहन जी ये संस्कार नहीं जानते थे, जबकि उस सिख कौम के लोगों ने इसी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपना गर्दन कटवाया जो गुरुओं का नाम मैं लिया, लेकिन उनको ये चिंता कभी भी नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना बार उस कश्मीर का दौरा किया, अपना जन्मदिन मनाने के बजाय अपने जन्मदिन का सारा खर्चा उन कश्मीरियों को दिया। अब बताइए क्या उन कश्मीरियों की तरफ से एक भी वोट भाजपा को दिया गया? 24 के 24 सीट हमारे नीचे की है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके भेदभाव कहां, भेदभाव करने वाले लोगों किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। हमारे यहां पर वसु गई कुटुंब कम, जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने
परमात्मा के द्वारा है, उसको अक्षरशः जो अपने जीवन में उतारते हैं वही जानेंगे मानव और मानवता के पाठ को, जिन पर ये संस्कार नहीं। जो लोग ये नहीं जानेंगे तो वो कभी भी संस्कारित अपने को नहीं कर पाएगा, और ये सब मिलना संभव है संस्कार से ही। देखिए मैं चला था इसी संस्कार को लेकर, कि अगर ये संस्कार उनको ना दिया गया होता, संस्कार को ना देते होते, संस्कार से वो संस्कारित ना हुए होते तो ये काम होना संभव नहीं। अब एक शब्द इसके साथ मैं और जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उन कश्मीरियों के साथ और उन फौजियों के साथ, उन रक्षकों के साथ, देश के प्रहरियों के साथ जो उन्होंने समय बिताया, और उन कश्मीरियों के तरफ से उस श्रीनगर से जिन मुसलमानों के खवैये के रूप में अपने प्रधानमंत्री ने समय अतिवाहित किया, उन मुसलमानों का एक भी वोट प्रधानमंत्री को नहीं दी गई, ऊपर से मिला है, ऊपर से परसेंटेज में नहीं आएगा, 24 के 24 सीट नीचे का है, एक भी ऊपर का नहीं आया। राजनीति में सीट का गिनती होता है, वो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। मतलब इसीलिए मैं बोला, अच्छा ठीक है चलो, इसको मैं ये जो आप कह रहे हैं पंडित जी हमारा कोई धार्मिक प्रवचन है, धार्मिक प्रवचन में आपने ये राजनीति को कैसे लिया है, लेकिन ये भी अगर आप लोग ऐसे ख्याल होंगे तो ये सरासर गलत करने की शिकार बनेगी, क्योंकि हमारा राजनीति नहीं है, हमारा राजधर्म है, हमारा धर्मयुक्त राजनीति है, और ये धर्म छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं एक और शब्द आप लोगों के सामने जोड़ना चाहूंगा, और जोड़ना ये चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस मानवता की रक्षा के लिए उन कश्मीरियों के ऊपर खेवैया के रूप में अपना सर्वस्व लुटाए, तो उन कश्मीरियों को छोड़कर, उन मुसलमानों को छोड़कर, मुसलमानों के अल्लाह से पूछिए, अल्लाह भारत के प्रधानमंत्री ने मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है तो क्या वो जन्नत के हकदार हैं, स्वर्ग में भेजे जाएंगे? अल्लाह कहेंगे नहीं। अब ये मानव समाज में भेदभाव कहां है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मानव समाज में भेदभाव पैदा कौन किया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मानव समाज में बखेड़ा पैदा कौन किया है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मानव समाज को किस तरीके से वरगराया जा रहा है, मानव समाज को किस तरीके से विभाजित किया जा रहा है, मानव समाज को किस तरीके से मानव समाज पर कुतराघात किया जा रहा है, मानव से मानव को दुश्मनी कराई जा रही है, मानव से मानव को लड़ाया जा रहा है, जबकि हमारे वैदिक संस्कृति में इन सब के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ऋषि ने सारा मना किया है, इसीलिए मैं बताया ना कि ऋषि देवन कह रहे हैं सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए, ये काम मनुष्य का है। क्या मनुष्य, जब तुम किसी काम को करो तो पहले तुम्हारा रुझान वहां होना चाहिए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूं, करना चाहता हूं, इस काम को करने में धर्म की अनुमति है अथवा नहीं। अगर धर्म की अनुमति नहीं है तो हरगिज उस काम को मत करना, उस काम को हरगिज मत करना, और धर्म की अनुमति है यानी किसे जानेंगे, तो इसका भी समाधान ऋषि देवर ने दिया है। ऋषि देवर कह रहे हैं कि जिस काम को करने से मन प्रफुल्लित हो उठे, उस काम को जानना कि परमात्मा का आदेश है। आप कहेंगे साहब जो जेब कतरा है, पॉकेट मार है, जब किसी के पॉकेट साफ कर लेता है उसका भी मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन बंधु उस बात को तो आप लोगों ने नजरअंदाज
किया हुआ है कि जब वो दूसरे के जेब में हाथ डालता है उसके दिल में भय लज्जा और शंका उत्पन्न होती है। वो भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। क्यों कराता है? परमात्मा भय लज्जा शंका उत्पन्न करा करके बताता है कि अरे तू तो बेटा मेरा है, संतान मेरा है, ये तेरा काम नहीं पर तू कर रहा है। लेकिन हम तो परमात्मा को बिल्कुल ही कर रहे हैं कि चला बेटे कितना भी कर लेते हैं। क्या होगा सब मानवता पर होता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति को जाने बिना, वैदिक संस्कृति को अपनाए बिना हम मानवता की रक्षा भी नहीं करते। सही। और मैं 30 वर्षों से इसी प्रयास में ही लगा हूं कि हमें वर्ग विशेष की बात नहीं, किसी वर्ग विशेष की चर्चा नहीं, किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं है। और वो वैदिक संस्कृति इसी राज को धरोहर के रूप में मिला है। वैदिक संस्कृति किसी और मुल्क में। अब मैं बहुत सरल भाव से आप लोगों को ये बता रहा हूं और इस पर मैं खंडन भी कर रखा असदुद्दीन ओवैसी को, और मेरा एक आर्टिकल का 75,000 से ज्यादा पेपर लिखे, एक आर्टिकल और 3 आर्टिकल लिखा हूं मैं। अब इसे आप लोग तो सुनकर के हैरान होंगे। आइए जरा मैं इसके साथ जोड़ देता हूं कि किस तरीके से कैसा कैसा मानवता पर पत्थर लगा होगा कि जिन्होंने मानवता को जाना नहीं वो कर रहे हैं मानवता पर पत्थर। क्योंकि मानवता को जानते होंगे तो कुटाघात करने का सवाल ही नहीं था, करने की गुंजाइश नहीं होती। मानवता को नहीं जाना, मानवता क्या है उसको नहीं जाना, क्योंकि मानवता का पाठ वहां पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो मैं पाकिस्तान के साहिब हमीद को बोला कि मानव बन जाओ, यूट्यूब में लगा है सुन लेना, ज्यादा लंबा नहीं आ रहा है टिका ये। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, और जो मुसलमानों का पिता है, मुसलमानों का बाप है, वो हिंदुस्तान में आया। मुसलमानों का बाप या ईसाई लोग, ईसाइयों का बाप मानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आदम नाम के पैगंबर भी जिनको इस्लाम वालों ने सभी मनुष्य मात्र का पिता माना, आदि माना। और जब जन्नत में अल्लाह ने आदम को एक चीज खाने के लिए मना किया, उसको खाया तो जन्नत से उसको निकाला गया। तो जब जन्नत से निकाला गया तो जन्नत से निकाल कर अल्लाह ने उसे धरती पर जो डाला वो हिंदुस्तान में ही डाला। ये उनकी किताब के अनुसार कससुल अंबिया नाम की किताब है, जहां नबियों की किस्सा जिस किताब में लिखी हुई है वहां पर ये किस्सा है। उसी के आधार पर ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस शब्द को बोला, इस शब्द को दोहराया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान में डाला। दो नाम उसमें दिया है, एक नाम है सालमदीप और दूसरा नाम है ईराला। और लेखक वहां लिख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का जखीरा है, जखीरा माने खजाना, हिंदुस्तान का जखीरा है। वहां अल्लाह ने आदम को डाला और आदम को जब हिंदुस्तान में डाला तो हिंदुस्तान उस कससुल अंबिया के नामित किताब के आधार पर डाला गया। तो असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है, जी टीवी में वो आ रहा था समाचार, उसको सुनने के बाद ही मैंने लिखा और मेरे फेसबुक में मेरे पेज में भी आप आ जाएंगे, मेरे साइट में भी आप आ जाएंगे। तो उसमें मैंने क्या सवाल उठाया जरा गौर से सुनना। उसने कहा कि ये हिंदुस्तान में हमारा बाप आया, हिंदुस्तान हमारा बाप आया।
जिम्मेदारी के साथ सुनना, मैं जिम्मेदारी के साथ बोला। क्या बोला? कि हिंदुस्तान में हमारा बाप आया और ये हिंदुस्तान हमारा बाप का है। सुने आप लोगों ने? क्या बोला? सब मिलकर दोहराइए एक बार। हिंदुस्तान हमारा बाप का है। मैंने सवाल किया कि हिंदुस्तान अगर तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारी जुबान अरबी क्यों है? हिंदुस्तान की जुबान, हिंदुस्तान वालों की जुबान अरबी है क्या? अरे हिंदुस्तानियों बताओ तो सही। मैंने कहा कि केवल जुबान ही नहीं अपितु तुम्हारा नाम भी अरबियन क्यों है, हिंदुस्तानी नाम क्यों नहीं? अगर तुम ये दावा करते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का है, तुम हिंदुस्तानी हो, तो तुम्हारा नाम भी हिंदुस्तान के अनुसार होना चाहिए था, वैदिक संस्कृति के अनुसार होना चाहिए था, रामचंद्र होना चाहिए था, श्याम मोहन होना चाहिए था, कृष्ण मोहन होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं? अब्दुल्ला उबैदुल्ला सादुल्ला असदुल्ला ये सब क्यों है? सब अल्लाह के जुड़े हुए। तो बेशक तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी था लेकिन अल्लाह हिंदुस्तानी नहीं है। अल्लाह भी अगर हिंदुस्तानी होते तो अल्लाह अरबी जुबान में अपनी कलाम ना सुनाए होते। मैंने कहा कुरान क्या है? सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया इन अरसलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक्लून। मैं अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाजिल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। अब यहां पर दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो लोग दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, अल्लाह का ये उपदेश मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, अल्लाह का ये उपदेश एक व्यक्ति विशेष के लिए है कि मैंने अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाजिल किया, इसीलिए अवतरित किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। यानी मनुष्य मात्र के लिए ये उपदेश नहीं है, विशेष के लिए उपदेश है। अगर व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश हो अल्लाह का, वो अल्लाह तो हो सकते हैं या अल्लाह तो है किंतु परमात्मा नहीं। क्यों? कि परमात्मा को उपदेश एक मनुष्य के लिए नहीं है। परमात्मा ने केवल राम को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा ने केवल कृष्ण को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा का उपदेश केवल और ना परमात्मा को उपदेश के बल विवेकानंद के लिए है, अपितु परमात्मा का उपदेश यथेवं वाचम कल्याणी मा बदानी जलभ्य। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब अंदाजा लगाना, जब एक व्यक्ति के लिए उपदेश दिया जा रहा है तो समग्र पुरुष मात्र के लिए उसका लागू होना क्यों और कैसा संभव होगा? मैंने कहा कि असदुद्दीन उवैसी का अगर मतलब सही है तो मेरे सवालों का जवाब दे वरना वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले। मैं कह रहा हूं परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथ अभिदते आय नाया का अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता उस सही और सच्चा रास्ता को अपना देना, उस सही और सच्चा रास्ता को जीवन में उतारना मानवता है और सब मिलकर के मानवता पर ही लगा कर रहे। मैंने कहा वैसे साहब बात यहीं ना खत्म नहीं होती, अपितु आप हिंदुस्तानी के बेटे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं और मरने के बाद कब्र में आपकी जुबान अरबी क्यों हो जाती है? अरबी जुबान में ही सवाल आपसे क्यों की जाएगी, क्यों की जाती है, क्यों की जाती रही थी, क्यों की जाती रहेगी?
फिर भाषा भी तुम्हारी हिंदुस्तानी होनी चाहिए थी या नहीं? ये तो साधारण सी बात है, एक सड़क पर कागज चुनता वाला आदमी भी समझ सकता है बात को। लेकिन सत्य को इन्होंने कभी भी स्वीकार, अगर ये सत्य को स्वीकार करते होते तो असदुद्दीन उवैसी हो या उसका भाई अकबरुद्दीन उवैसी हो, ये क्यों कहता प्रशासन के लिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे? पुलिस से क्यों डरते हो? और पुलिस से डरता कौन है? पुलिस से कौन डरता है? चोर। क्यों ये लोग? सीधी सी साधारण सी बात है, इसका मतलब ये अपने आप प्रमाणित कर रहे हैं कि हम चोर हैं। लेकिन दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तब न जानेंगे, दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तभी न समझेंगे इस बात को। पर अकल को तो बेचारों ने बेच रखा है या फिर भी रख रखा है इस्लाम के पास है? तो अकल बेचने वालों को क्या पता होगा? तो मैं 3 आर्टिकल लिखा हूं इसके और मैं अभी जा रहा हूं उसको उसके घर में सुनाने के लिए। हैदराबाद, हैदराबाद में एक सिराजुद्दीन नाम का भी एक मौलाना है, अभी भी हिंदुओं की भी बुद्धि मारी गई, भले हमारे तमाम लोग पसंद ना करें सहन ना करें। जैसा अभी पिछले दिन श्री श्री रविशंकर जी हार गए वहां बेंगलोर में, यहाँ सिराजुद्दीन के पास भी एक हिंदू हार गया। अरे तेरा तुझे जब मालूम नहीं, तू जानता नहीं है इस्लाम को, क्यों जाता है? तू जानता है उसको भेज। रविशंकर जी को डिबेट के लिए नहीं बुलाया गया था, उनको किताब का विमोचन करने बुलाया गया था, वहीं पे वो बोलने लगा। मैं बोलूंगा तो फिर मिला जाए बोलिए, क्योंकि सब सहन नहीं आ हिंदू वाले, इन्होंने सब सहन नहीं किया। अगर किताब का विमोचन करने के लिए बुलाया गया था और अगर कोई बात ऐसे सवाल जवाब के रूप में आई तो क्या उनको जवाब देना उचित हुआ या अनुचित? तो दे पाएंगे, सवाल को सुनना उचित हुआ या अनुचित? वो कहते हैं भाई तुझे जिस काम के लिए बुलाया उस काम को करो और छोड़ो मुझे। 2 महीना के बाद जब उन्हीं बच्चों ने, जिन लोगों ने वो अरेंज की थी, मेरे सीडी डीवीडी और पुस्तकें मंगवाई, मंगवा करके वहां पर प्रचार किया 2 महीना लगातार। 2 महीने के बाद जब डाकी नायक ने बोला कि आप डिबेट के लिए आ सकते हैं, क्या समय दे सकते हैं, तो उन्होंने पूछा किसके साथ डिबेट है, तो बड़े मेहनत वाला आदमी के साथ उसे साफ मना किया, मैं आर्य समाजियों के साथ डिबेट नहीं करूंगा। तो यहाँ सिराजुद्दीन नाम का एक है जो हैदराबाद का है, उसने भी इस तरीके से किया है। वो डाकी नायक सेकंड डाकी नायक को बनता जा रहा है। खैर कुछ भी हो, तो मैंने ये निवेदन किया कि हमें वैदिक संस्कृति पर उंगली रखने के लिए कहीं पर किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी चुनौती कि वेद में कोई दोष लगा करके दे कि दूसरे लोग लगाए ना लगाए, लेकिन ये हिंदू कहलाने वाला इस्कॉन के नाम से जो संस्था बनी हुई है प्रभुपाद स्वामी के, वो लोग वेद पर तुलना करते हैं, हमने कितने तुले भी। अब दूसरे को आप क्या कहने जाएंगे? तो ये सब अनर्थ हो रहा है। तो मैंने आप लोगों से इतना ही कहा और बताया कि सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। तो हमारा शास्त्रकारों का कहना है सत्य में विजयते जनितम सत्येन पन्था विदतो देवयानाम्। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई दबा कर रख नहीं सकता। सत्य हमेशा ऊपर रहता है, सत्य का दबाया जाना भी संभव हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्य कुछ देर के लिए छुप गई हो, लेकिन समाप्त होना संभव नहीं।
इसके लिए जिम्मेदार सत्य के मानने वाले जानने वाले लोग हैं कि सत्य के जानने और मानने वाले लोग अगर सत्य के प्रचार प्रसार में कमर बांध करके जुटे रहते होते तो आज ये ओवैसी को कहने की हिम्मत ही न हुई। लेकिन ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है, हमारी अदूरदर्शिता है, हमने अपनी अच्छाइयों को औरों तक हम पहुंचा नहीं पाए। तो जब हम अपने अच्छाइयों को औरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो बुराई है वो बुराई तो अपने आप पनपेगा भाई। छोड़िए सभी बातों को, दुनियादारी में चले जाए, वहां भी देख लीजिए। मानव को बुराई सिखाना नहीं पड़ता। संजय बाबू, बुराई सिखाना नहीं पड़ता है, बुराई अपने आप बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन अच्छाई सिखानी पड़ती है। उस अच्छाई को सिखाने का नाम ही संस्कार। उस अच्छाई को सिखाने का नाम संस्कार है। अच्छा, यहां से भी हट जाए आप, जो लोग खेती करते हैं ग्रामीण अंचल में जाकर के देखिए, जो लोग खेत में अनाज बोते हैं, अनाज बोने के लिए उस बेचारे को खेत को तैयार करना पड़ता है और खरपतवार को निकाल कर बाहर करना पड़ता है। खरपतवार किसी ने बोया था क्या जमीन में? बोलिए ना भाई, सर से सर मिला कर। खरपतवार किसी ने बोया नहीं था, अपने आप ही पैदा हुआ। और अनाज बोने से पहले उस खरपतवार को निकाल कर बाहर किया गया, बाहर फेंकने के बाद ही अनाज उसमें बोया गया जमीन में, उसके बावजूद भी घास फिर पैदा हुआ और उसको निकाल कर आपने बाहर किया, फिर कहां जा गया? वो अपने आप पैदा हुआ। और अपने आप बुराई समाज में भी किसी को पैदा करना नहीं पड़ता और अच्छाई को लाना, बस उसी का नाम संस्कार है। तो यहां घास को निकालने के बाद कई बार आप निकालते हैं घास को, फिर उसके बाद भी घास अपने आप वहां पर उग जाता है, पैदा हो जाता है। वो जैसा अनाज को पनपने नहीं देता, ठीक इसी तरीके से बुराई भी सत पर अच्छाई पर हावी हो जाता है। और अगर आपकी अच्छाई पर मान है तो बताइए बुराई को पनपने देगा क्या? बस उस बुराई को हटाने का नाम संस्कार, उस अच्छाई को उत्पन्न कराने का नाम संस्कार, उस अच्छाई को जीवन में उतारने का नाम संस्कार है, उस अच्छाई पर चलने का नाम संस्कार है। और ये संस्कार केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए होता है, न हिंदू के लिए, न मुसलमानों के लिए, न ईसाइयों के लिए, न जैनियों के लिए, न सिखों के लिए, मनुष्य कहलाने वालों के लिए। क्यों? कि मनुष्य अगर संस्कारी नहीं होगा तो वो मनुष्य मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होगा। भले कोई मुसलमान कहला रहे, ईसाई कहला रहे, कुछ और कहला रहे, लेकिन मनुष्य कहलाना अलग है और मुसलमान कहलाना, ईसाई कहलाना, हिंदू कहलाना, जैनी कहलाना, बौद्धिस्ट कहलाना आदि आदि सब अलग। यही कारण था कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य को उपदेश दिया है, क्या मेरे संतानों, तुम जा रहे हो धरती पर, तुम्हें जाकर वहां मानव बनना, तब में मनुर्भव मानव बनो। तो सही पूछिए तो यह आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है। दो संस्था का नाम मैं आप लोगों को दिया हूं, जिन दो संस्था के लोगों ने, दो संस्था के अधिकारियों ने मनुष्य के अंदर में संस्कार दिया है, उन मनुष्य के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास किया है,
وقت بس ہے. انہوں نے مانوتا کا بودھ کرایا ہے مانو ماتر کو. اگر یہ مانوتا کا بودھ ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی اگر اس سنسکار میں نہ آئے ہوتے, اس سنسکار سے اپنے کو سنسکاری نہ کرتے ہوتے, تو اسی مانوتا کا اجاگر وہ کشمیریوں کے سامنے نہیں کر پاتا. ایک جیتے جاتا پرمان میں بتا رہا ہوں. اب کسی کو کاٹتا ہو کاٹنے کی گنجائش کہیں ہو کوئی آ جاتا. میری دیوی بچاروں میں اگر کہیں پر کسی کو گھسنے کی گنجائش ہے تو ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے جھوٹ پرمانت کر کے دکھا دے, متھیا پرمانت کر کے دکھا دے. کیونکہ منش کوئی بن کر نہیں آیا, دنیا میں آ کر کہیں انہیں منش بننا پڑا. جب وہ سنسکار سے سنسکارت ہوئے تبھی ان کا نام مانو پڑا, اور جب مانو بن گئے تو سبھی بھید بھاووں کو کنارے کر دیا, پوشنگ کیا, کہ نہیں ہٹو تم, ہم کسی سمپردائے سے بدلیں گے نہیں ہے, ہم مانوتا کے پجاری ہیں. اور مانوتا کے پجاری ہونے کے کارن تم لوگ تو چلا چلا کر کہہ رہے ہو بھارت کو برباد کیا جائے, چاہے وہ مفتی سعید ہو, چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی اور ہو, نارو کتنا نام میں ہوں. اور پرماتما کی کرپا ہے کہ پرایہ نام سب کا میں جانتا ہوں. مفتی سعید بھی وہ اوریجنلی بھارت کا ہی ہے, لیکن اس سمے بھارت میں پل رہے ہیں, بھارت کے اندر سے پرورش ہو رہے ہیں, بھارت کا آب ہوا سے اپنے بال بچوں کا بھی لالن پالن کر رہے ہیں. یہ اویسی برادر جو بھارت کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میاں جی لوگوں, یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو پہلے سے ہی, اس بھارت کو برباد کرنے کے لیے سکندر سلوکس مٹانے کو آئے, خود مٹ گئے پر مٹانے نہ پائے. ہمارا اتہاس ساکھی ہے, تم جہاں گئے پر گئے لیکن ہندوستان میں تمہارا پرپنا نہیں ہوا. کیا کہ ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے کھر پتوار کو ہم اپنے زمین میں جمنے نہیں دیتے. کیوں کہ کھر پتوار کو اگر جمنے دیں گے تو پھر اناج پیدا کرنا زمین سے سمبھو نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی گھبراؤ مت, کھر پتوار کبھی بھی اناج کو دبا نہیں سکتا ہے. اناج تو اناج ہے اور کھر پتوار تو کھر پتوار ہی ہے. دیکھو تم جہاں جہاں گئے, ایران گئے, عراق گئے, انڈونیشیا گئے, نہ معلوم کتنے دیشوں میں گئے, جہاں گئے تم سب جگہ جھنڈا بلند کیے, لیکن بھارت میں تمہاری جھنڈا بلند نہیں ہو پائی. اس کا کارن جانتے ہو؟ اس کا کارن یہی ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اناج کیا ہے اور گھاس پھوس کیا ہے. اس لیے میں آپ سب لوگوں کو دھنیواد دیتا ہوا بھی کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو مل کر کے ویدک سنسکرتی کی رکھا کرنی ہو. ویدک سنسکرتی پر جو لوگ اٹھاراگات کر رہے ہیں, جو لوگ اٹھاراگات کر رہے ہیں انہیں ہمیں روکنا ہوگا. اس ویدک سنسکرتی کو بچانے کے لیے چاہے ہمارا بلیدان کیوں نہ ہو جائے, لیکن ویدک سنسکرتی کو بچانے میں ہم لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلیدان سے. ارے یوں تو لوگ فٹ پاتھ پر لوگ مرتے ہی ہیں, ریل میں کٹ کر کے بھی مرتے ہیں, لیکن اپنے سنسکرتی کے لیے, اپنے دھرم کے لیے, اپنے راج کے لیے کتنے لوگ مرتے ہیں. اور جو لوگ مرتے ہیں انہیں کا ہی نام سورنی اکثروں میں اتہاس کے پنوں میں لکھے جاتے ہیں. اس لیے آئیے سب بھید بھاؤ کو چھوڑ کر, بھید بھاؤ مٹا کر ہمیں مانوتا کی رکشا کرنی ہے, ہمیں دھرتی پر مانو بن کر کے جینا ہے. اسی لیے ہمارا اُدیش کیا ہے, رشی دیرر لکھ رہے ہیں, سنسار کا اپکار کرنا اس سماج کا مکھ اُدیش ہے, شاریرک آتمک اور ساماجک اُنتی کرنا.
या संसार का उपकार है, केवल भारत का नहीं, हम तो संस्कार का संसार का उपकार करना चाहते हैं, प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं। इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखार्थः। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, ज्ञान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सब मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, ये भाव हमारे हैं, ये भाव हमारे लोगों में है, ये भाव वैदिक संस्कृति वालों में है, तो हमारे पास तो दुश्मनी अभी भी है भाई, हम तो मैत्री भाव लेकर के चले हैं, क्योंकि ये हमें मिला है वैदिक संस्कृति के आधार पर, ऋषि मुनियों के संतान होने के आधार पर। केवल इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने तो नवा नियम में ये लिखते हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अब अल्लाह ताला का ये मतलब किसी एक शब्द पर, अगर दुनिया में विचरण करने वाले लोग अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहकर दूसरों की उन्नति को अपनी उन्नति समझते होते तो हमारा बंबई कांड होता। जितना भी कांड हम 20 या 22 वर्षों के दरमियान इन भारतवासियों ने झेला है, झेल रहे हैं, ये सारा कांड होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अपने को छोड़कर औरों की उन्नति लोग चाहते नहीं है, सबकी तबाही चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तबाही नहीं, हमारे यहाँ हम रक्षार्थी हैं, रक्षा के लिए हम काम करते हैं। जो काम वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया, मैंने लिखा मानव नहीं, इन्हें महामानव कहो, प्रधानमंत्री जी के लिए। पर मेरे साइड को कम लोग टच करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही लोग जानते हैं, और उन्हीं लोग अपने हिसाब से आप प्रचार कर। मैं बाबू विशाल जी से परिचय कराता हूं आप लोगों का। मेरा आपकी बात आने का ये कारण बना, देखिए मैं अपने जेब के ही किराया लगा करके आता हूं और जाता भी हूं। मल्लिक बाजार आदि समाज के अधिकारियों का बहुत हमदर्दी रहता है मेरे साथ, खाने पीने उठने बैठने से लेकर के मेरे साथ हमदर्दी रखने के कारण हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मेरा इस बार का आने का कारण बना, इससे पहले भी दो बार ऐसा हुआ कि इस्लाम मतावलंबियों ने बकायदा संपर्क करके डिबेट के लिए मुझसे समय लिया, इससे पहले दो बार नहीं आए। ब्याली शंकर घोष लेन जो आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय है वहां पर रखा गया, तो फिर जब वो लोग नहीं आए तो दो आदमी भेजे अपने साथ, यानी खबर भेज कर, जैसा पैगंबर अल्लाह भेज देना तो उन लोगों ने भी वैसे पैगंबर भेज, ये वसीम छिले तो आपके पीछे का दिन जिसमें आशा पर छिले तो आदमी भेजा कि पंडित जी को बता देना हम लोग तबली जमात में जा रहे हैं आने से। तो भाई जी जमात में तुम्हें जाना था तो पहले ही सोच लेते, मैंने पाप को दिल्ली से कलकत्ता क्यों बुलाया। इस बात भी ऐसा ही हुआ, आपके साथ कुछ मित्र मंडली ने इनके संपर्क किया, एक का नाम तो शायद वो असगर होगा, असगर अली नाम है उसका, तो कुछ भी हो, मुनीर हो, पनीर हो, नूर हो, रोशनी हो, कोई भी हो, सबके लिए तो हमारा दरबार खुला है, कोई भी आ रहा है। इस बार जो शास्त्रार्थ के लिए जिनको आना था वो लोग नहीं आए, बल्कि मैं आपसे विनती करूंगा कि वो नहीं आए, उन्होंने क्या बोला आप उस शब्द को दोहरा दे जिससे हमारी ये रिकॉर्ड
पूरी यहाँ आई मेरे पास। हाँ जो शब्द उन्होंने कहा है नहीं आ सकते उसका वो। नमस्कार, मेरा नाम शायद जायसवाल है, हम खरदा से आए हैं। मेरे जिन साथियों से संपर्क हुआ था उनका ये सवाल था कि इस पृथ्वी को या इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर नहीं है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है। और इसका क्या प्रमाण है कि अगर ईश्वर ने बनाया है तो इससे पहले वो कहाँ थे, या वेद उनका ही दिया हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? ये तो मनुष्य भी बना सकता है, ये मनुष्य का लिखा हुआ है क्योंकि ये किताबी बात है, तो वेद के ऊपर भी उनका सवाल है। ना आने का कारण ये पहले जब हम बोले कि ठीक है भाई आपका शास्त्रार्थ हम रखवा दे रहे किसी स्कॉलर से, हमसे बात करके तो आप संतुष्ट नहीं होइएगा, मेरे बात को काटिएगा, तो वो बोले ठीक है रखवा दीजिए। तो हमने बोला ठीक है आप, हम बुला रहे हैं आप तैयार होइए, तो वो तैयार है। वो नाम पूछे तो हमने बोला पंडित महेंद्रपाल आ जाएंगे साहब, उस दिन वो राजी हो गए। लेकिन उसके बाद दिन वो खबर भिजवा रहे, वो खुद नहीं आया। उसके बाद वो उसी पैगंबर के सिस्टम में मतलब खबर भेजे मेरे पास कि नहीं भाई वो तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है, तो उनसे मिलना संभव नहीं है। ये नू साहब का जवाब था। और जो असगर अली है उनका जवाब है कि पंडित महेंद्रपाल अगर आएंगे तो लाख दो लाख की संख्या में आएंगे, वहां पे हम जाएंगे अकेले, मुस्लिम कौम के हैं तो मेरे जान को खतरा है। तो हम उसको बोले भी कि आपका हम पर्सनली रखवा देंगे, दो चार लोग रहेंगे, हम रहेंगे, आप आइएगा। लेकिन उनका जवाब यही रहा, नहीं भाई हम सिक्योर फील नहीं कर रहे, बस किसी भी तरह बात को काट करके निकल जाना था कि इनसे डिबेट ना हो, बस समाज में वो जो भी भूल भ्रांति फैला है वो उनका उद्देश्य रहा हो। और यही भूल भ्रांति की वजह से जो हमारे वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में जा रही है, वहाँ पे कुछ कुछ हिंदू है, उनको बरगला करके माइंड डाइवर्ट करके उनको कन्वर्ट करके हिंदू बना लिया गया। लेकिन जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो इनका सामना करना नहीं चाहते, बस वो बात को टाल दे रहे हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, वो डिबेट करने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि सत्य को कोई जीत नहीं पाया और सत्य को जीता जाना संभव नहीं, सत्य के पास हर एक को नतमस्तक होना है। यही बात उनके सवाल का कि उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने नहीं की, सृष्टि की रचना अल्लाह ने की। कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने क्यों नहीं की, कि उससे पहले कहां थे? और यही सवाल उसी से पूछे कि रचना सृष्टि की अगर अल्लाह ने की तो सृष्टि की रचना करने से पहले अल्लाह कहां थे? इसका क्या समाधान होना है? समाधान इन लोगों के पास नहीं है, वरना वो जानते हैं। मैंने बोला कि जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वला कद खलकना समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अला अर्श युदब्बिरुल अम्र यफस्सिरुल आयात, कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। मैंने पूछा कि अल्लाह ने जब 6 दिन में सृष्टि की रचना की, जमीन और आसमान को बनाया, तो सूरज के बिना अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो एक बार एक मौलाना ने मोतिहारी में लिख करके दिया, अल्लाह ने पहले सूरज बनाया। मैंने कहा अल्लाह ने सूरज बनाया? बोला हाँ। मैंने कहा रखा कहाँ? तो अगर आप लोगों के साथ वो लोग आते होते मुझे भी बड़ा आनंद आता, क्योंकि मैं इसी बंगाल का रहने वाला हूँ और मूल बंगालियों में जो आप हिंदी भाषियों के नजर में है ये बंगालियों का मांस भात खाना, बंगालियों का मांस भात खाना।
तो मार खात नहीं, जो देहात इलाके में रहते हैं ना वो मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के लिए एक हमको, हम लोग उसको बंगला भाषा में बंसी बोलते हैं, कांटा जिसको आप लोग कहते हैं। तो हम लोग जब छीप फेरते हैं ना व्हील वगैरह, जब अपने तालाब से मछली पकड़ते हैं, वैसे आज के दिन नहीं, जब मैं था उसमें तो करता था, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदारों में सब तालाब वाला मामला है। तो हम लोग उस मछली को फंसा करके खिलाते हैं, मछली को पहले ऊपर नहीं लाते, उसे पानी में खिलाते। तो ऐसे ही अगर मेरे सामने में जो कोई आता, मैं उसी तरीके से खिलाता उसको, बड़ा मजा आता, मैं भी आनंदित होता और आप लोगों को भी बड़ा आनंद आता। ये काम अभी अब्दुल अलीम ने किया। अब्दुल अलीम का नाम जरूर आप लोग सुने होंगे, जो पिछले साल से बीरभूम का रहने वाला है। उसने डिबेट के लिए मेरी चुनौती स्वीकार की कि मैं आपके साथ डिबेट करूंगा, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है, आप डिबेट के लिए तैयार। तो डिबेट के लिए स्थान पूछा गया, वो बीरभूम से बाहर जाना नहीं चाहता या आना नहीं चाहता, उसको कलकत्ता शहर बोले, यहाँ बोले, मल्ली बाजार आदि समाज बोले, शंकर गोसले कहा और कई जगह बताया, वो कहीं उससे हिलने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार। हमारे भाई राहुल तिवारी रिश्रा वाले ने रिश्रा में बोला, पांडुआ में बोला, वहां भी तैयार। लेकिन इस बार जब मैं दिल्ली से कलकत्ता आ रहा था, तो रास्ते में मैं उसको फोन किया कि मैं कलकत्ता आ पहुंच रहा हूं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मल्लिक बाजार आर्य समाज में मैं उपलब्ध। तो अभी परसों 16 तारीख को वो अपने एक मित्र मोहम्मद फहीम साहब, जो अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, टीचर हैं, उन्हें लेकर के आए। और इसी मल्लिक बाजार आर्य समाज में बैठ करके वार्तालाप हुई, उसमें बहुत सारे लोग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ता, कई लोग और भी थे। सब लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, पर रिकॉर्डिंग बंगला में हुई है। बंगला में होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे नहीं लगाया, कि बंगला की रिकॉर्डिंग जो मैं लगाता हूँ या बंगला में जब कभी मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ तो सब हिंदी भाषी मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं, पंडित जी क्या लिखा आपने, हम समझ नहीं पा। अब हिंदी में लिखता हूँ तो बंगला भाषी मेरे ऊपर नाराज होते, पंडित जी की लिखे जन हमारा पढ़ नहीं पाची ना, तो मैं बंगालियों को भी प्रेरणा देता हूँ कि भाई राजभाषा हमारा हिंदी है, हिंदी सीखो। और हिंदी में ही मैं अगर काम नहीं करता, मैं केवल बंगला में ही काम करता होता ना, तो बंगाल से बाहर मैं भी नहीं पहुंच पाता सही बोले तो मैं भी हिंदी जानता तो नहीं हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, मैं सीखता हूँ, तो हिंदी में ही मैं ज्यादातर काम किया हूँ। तो मैं हिंदी में उन लोगों की, उन लोगों से जो वार्तालाप मेरी हुई है, मैं परसों ही उसमें डाल दिया हूँ फेसबुक में, उससे आप लोग देख लेना। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुई, और हमारे माननीय संजय बाबू, माननीय हमारे पंडित जी, ये सब मौजूद थे, और सब लोगों ने उन दोनों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि वो दोनों के अंदर में बहुत ही शालीनता, सभ्य, क्योंकि विद्वान होने के कारण विद्या में देती है विनय, विद्या दजाती विनयम, इस आधार पर उन दोनों में वो चीज हम लोगों ने पाई। हमारे अधिकारियों ने दोनों को बहुत धन्यवाद दिया, और दोनों वचनबद्ध हैं कि हमें सत को ग्रहण करना चाहिए और असत को छोड़ना चाहिए, यही मानवता की रक्षा है। हम आगे के लिए प्रयास करेंगे, इसी मानवता की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के काम करें, यह वातावरण बना है हम लोगों का। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो आए हैं इसी निमित्त, मैं आप लोगों का बड़ा ही आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे आर्य समाजी भी हैं, गैर आर्य समाजी भी हैं,
मैं वेद का प्रचारक, मुझे आर्य समाज की गैर आर्य समाज से कोई मतलब नहीं, मैं स्वयं किसी भी आर्य समाज का सदस्य नहीं, मुझे प्रचार वेद का करना है और उस वेद के सच्चाई को मैंने उजागर किया, प्रोफेसर ने बताया। तो हमें असत और अधर्म का विरोध करना चाहिए और सत को अपनाते हुए मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूं और आप लोगों का जो सानिध्य मुझे मिल रहा है, मेरा काफिला बनता चला जा रहा है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मेरे एक एक आर्टिकल को 74-75 हजार लोग, 80 हजार 90 हजार, स्टेटस एक सप्ताह का होता है, 1 लाख से ऊपर हो गया था पिछले सप्ताह, इस सप्ताह में क्या हो रहा है देखिए। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है, लोग जानने लगे हैं कौन है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के नाम से ही लोग घबराने लगे हैं, सामने आना तो डर गया, सामने आकर के डिबेट करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे सामने आने में भी लोग हिचकिचा रहे हैं, ये वस्तु स्थिति है। विशाल बाबू कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये जो पहले वेद का उत्तर है कि ये ईश्वर कृत है या मानव द्वारा लिखित है, ये सवाल बार बार उठ के आता है। मानव द्वारा लिखित है क्योंकि परमात्मा ने लिख कर नहीं भेजा, इसकी आवश्यकता नहीं है, मानव द्वारा ही लिपिबद्ध किया गया। तो परमात्मा लिख करके भेजा है तो संभव ही नहीं है। तो ऋषि नारायण ने उसका हवाला दिया है कि राजा इच्छाकु के काल में वेद मंत्र को लिपिबद्ध किया गया। तो वेद के माने पुस्तक मत समझिएगा, वेद माने पुस्तक नहीं है, वेद माने ज्ञान है, विद जाने, विद विचारेण, विद सत्यायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति माने सुन करके जिसको याद किया जाता है उसका नाम श्रुति है। परमपिता परमात्मा ने चार ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन चारों ऋषि के हृदय में प्रकट किया वेद, जो वेद चार खंडों में है, चार कांडों में है, चार भागों में है, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, ज्ञान कांड कर्म कांड उपासना कांड और विज्ञान कांड, वेद चार नहीं है, वेद मूलतः एक ही है। तो परमात्मा के प्रेरणा से ऋषि के सुबान से जो उपदेश निकला उसी उपदेश का नाम ज्ञान। तो पंडित जी इन चारों ऋषि से पहले भी तो मनुष्य होंगे या नहीं है? इन चारों ऋषि से पहले मनुष्य थे? हाँ मनुष्य थे, उस समय भी चार ऋषि थे। हर सृष्टि के प्रकरण में चार ऋषि होते हैं, चारों ऋषि का नाम अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा होता है, चारों ऋषि के द्वारा भी यज्ञ साम और अथर्वी होते हैं। ये मत समझिएगा कि अभी की ये सृष्टि, आज जैसे हम लोग आज 18 तारीख को रविवार के दिन मल्ली बाजार आर्य समाज में बैठे हैं, ये आज के दिन नहीं, ये सृष्टि है तो इससे पहले प्रलय है। तो सृष्टि और प्रलय ये स्थिति एक साथ हर ब्रह्मांड का नहीं होता, जैसा इस समय दिन है भारत में, अमेरिका में रात है, तो ऐसा ही अंतर होता है, कहीं सृष्टि है तो कहीं प्रलय है। तो हर सृष्टि में जहां सृष्टि होंगे उस सृष्टि में चार ऋषि ही होंगे, जिन चार ऋषियों के द्वारा ही अग्नि वायु आदि द्वारा गिरा के द्वारा ही ऋग्वेद और यजुर्वेद के उपदेश दिए जाएंगे सुनाए जाएंगे, इसलिए उसको श्रुति कहा गया। अब यहां एक उदाहरण मैं छोटा दे देता हूं, कुरान वालों की मान्यता है कि कुरान से पहले अल्लाह ने 3 किताबें या और बहुत सारे सहीफाएं दी, छोटी छोटी किताबें पुस्तकें, मूल रूप से 4 किताबें तौरात ज़बूर इंजील और कुरान। तो कुरान के लिए अल्लाह ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई थी वो
उसको नाजिल करने वाले कौन थे। मैंने सवाल उठाया कि उसका नाजिल करने वाला अगर अल्लाह ही था तो उसकी हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको हम माने क्यों नहीं। तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि उसमें अल्लाह की बीवी कलाम में लोगों ने मिलावट कर दी, इसीलिए उसको बातिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। अगर यही बात है तो फिर मैं दोष लगाऊंगा अल्लाह पर, क्या अल्लाह पहले से नहीं जानते थे कि तेरी बीवी की ज्ञान में, तेरे बताई किताब में मानव मिला सकता है, मानव मिलाएगा? तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण कहां से होगा, पहली बात। दूसरी बात ये होगी, अगर परमात्मा का अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है और मानव अपना ज्ञान रखकर उसके साथ मिला देता है तो अल्लाह के ज्ञान में और मानव के ज्ञान में भेद नहीं होगा, तो अल्लाह पर दोष मिलेगा। मैं मान लिया इसको भी कि चलो उस किताब को मंसूख कर दिया गया, जैसा कुरान का कहना है वही कि मैं जब चाहता हूं एक आयत को मंसूख करके उठा करके उसकी जगह मैं दूसरी आयत प्रस्तुत करता हूं। अगर यही बात है कि अल्लाह ने उसको उठा लिया और फिर उसकी जगह में बाद में किताब दी, अब बाद में अगर किताब दी तो चार एडिशन है और एडिशन को बदलते समय अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति होती है अगला एडिशन में। जैसा मैंने भी किताब लिखी है कुछ आप बहुत सारे लोगों के पास है वो पुस्तक है, तो उस किताब में अगर कुछ कमी रहेगी तो अगले एडिशन में मैं ठीक करूंगा। तो अल्लाह के ज्ञान में कौन सी कमी थी जो अल्लाह ने अगले एडिशन में ठीक किया। यहाँ पर एक सवाल और भी है, अगर अल्लाह ने एक किताब को उठाकर दूसरी किताब अल्लाह देते हैं तो दूसरी किताब देने में अल्लाह को समय लगाया लगाना पड़ा या फौरन दे दिया? अगर देना दिया दिया तब तो बात है, अगर कुछ देर के बाद अल्लाह ने अपना ज्ञान दिया, कुछ दिनों के बाद दिया तो फिर जितने दिन ज्ञान नहीं थे उतने दिन ज्ञान न रहने के कारण मानो परमात्मा के ज्ञान से वंचित होंगे या नहीं, दोष लगेगा। मैं अब जुबान खोलने ही नहीं दूंगा। बहुत से लोगों ने आजमा करके देख लिया है, जो भी आया मुंह के बल मिला। वेद में मिलावट नहीं हो पाया इसका क्या प्रमाण है? वेद में मिलावट होना संभव ही नहीं है, मिलावट तो बहुत दूर की बात है, अक्षर को लगा रहा है, कलम का नींव नहीं रख सकता, कलम का नींव रखेगा तो अक्षर बन जाएगी, नुक्ता बन जाएगा, नुक्ता बनने से नासिका बचन नासिका नाक से उच्चारण करने वाला अक्षर बन जाएगा। अष्टाध्यायी को पढ़ने से तब पता लगेगा, प्राचीन व्याकरण को पढ़ने से, पाणिनि को पढ़ने से तब पता लगेगा। इसलिए वेद में मिलावट करने का न करने का कारण यह है कि वेद को पढ़ने का तरीका आठ प्रकार से है, जिसको घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से। मेरी बेटी को प्रैक्टिस कराया हूँ, उसी बेटी के गुरुकुल में भी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, हैदराबाद। तो कभी मौका मिलेगा तो यहाँ जब साथ में आऊंगा तो सुना भी दूंगा आप लोगों को। आठ प्रकार से वेद पाठ करने का तरीका है, उसमें मिलावट करने के लिए जटा पाठ, जटा कैसे, जैसे साधुओं के जटा होते हैं ना, ऐसे ही उसमें एक बात आप उसमें से निकाल सकेंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जटा पाठ, शिखा पाठ, शिखा देखिए बहन जी छोटी बात ही हुई ना, इस पल्ला को इस पल्ला में, इस पल्ला को इस पल्ला में कैसे मिला है? तो ऐसा ही है वहां, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, जैसे माला एक दाना दूसरे दाना में गाला जाता है ना, ऐसे ही इस तरीके के आठ प्रकार के पाठ होते हैं। यदि कारण बना कि उसमें मिलाया जाना कभी भी संभव नहीं होगा, अगर कोई एक अक्षर या नुक्ता यानी लगा देना कलम तो भी करने आ जाएंगे कि ये मिला। पंडित जी अंग्रेजी का एक शब्द है रिसीवर, हाँ, जो माइक है उसको भी रिसीवर कहते हैं, ऋषि रिसीवर, और हमारे जो ऋषि चार हैं आदित्य मीरा और चार हैं उनमें क्या नाम आदि
या अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द ऋषि वर्ग इनका खुद का है या हमारा है? नहीं, अंग्रेजी शब्द के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो रिसीवर किसको, वहाँ रिसीवर नहीं होगा, वहाँ रिसीवर होगा। रिसीवर सहरसा में अंतर आएगा, वो जानता ही नहीं, अंग्रेजी वाले जानते ही नहीं सहरसा के अंदर है। उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, राम और रामा का अर्थ नहीं, कृष्ण कृष्णा का मालूम नहीं, योग योगा का पता नहीं, वो क्या जाने गए रिसीवर क्या होता है। ऋषि हमारे यहाँ उन्हीं को कहा जाता है, ऋषि वही मंत्र जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उनका नाम ऋषि होता है और उनको सम्मान, उनकी ताजीम के लिए ऋषि वर होते हैं। वर के माने दूल्हा भी होता है, पर यहाँ वर के माने दूल्हा नहीं है। कहीं आप अंग्रेजी में वाला को बोल से वो ऋषि वर बोला, यहाँ पर भी वर है, वर के माने दूल्हा होगा, दूल्हा नहीं है यहाँ, ना दूल्हा है ना दूल्हा है। यहाँ पर वर उसको सम्मानित करने के लिए, उनके ताजीम के लिए, जैसे मान्यवर। तो ये भगवान, इसलिए अंग्रेजी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ ऋषि जो है वो ग्रहण करता हुआ, ऋषि हमारे बगैर मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, मंत्रों को जो आत्मसात करते हैं, उनका नाम ऋषि होता है। मंत्र में क्या होता है, मैं पहले बोल चुका था। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोला गया, क्या बोला जाता है, वो हमारे साथ उसका ताल्लुक नहीं है। अंग्रेजी में संस्कार शब्द नहीं है, न जानते हैं संस्कार होता है क्या, संस्कार किसको कहा गया, ये सब चीजें नहीं है। तो अंग्रेजी के साथ इसका मेल नहीं होगा, यह हमारी संस्कृति अलग है। इसीलिए तो मैंने संस्कार से ही चला था, अपने मतलब को शुरू किया संस्कार से, संस्कृत से ही संस्कार, संस्कार से संस्कृति, ये एक दूसरे के पूरक है। जो वो संस्कृति, संस्कृत का माने भी मैं बता, संस्कृत शब्द का तो था निर्दोष, जहां पर गलती ना हो, भूल ना हो, वो संस्कृत है। अब अंग्रेजी, अंग्रेजी में देखिए वहां योग और योगा का भेद देखिए, कृष्ण और कृष्णा में क्या भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है, खुदकिन मानिस का भेद है। अब एक पुरुष को स्त्री बना दे तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम होगा, कहीं को गलत करें कहेंगे तो यह निर्णय किसी के लिए मान्य नहीं होता है। निर्णय लेने के लिए सही और गलत को जानना पड़ेगा। अब खामखा सही को आप गलत बोलेंगे तो दुनिया अंधी है क्या, दुनिया लोग, दुनिया के लोग मान लेंगे गलत को सही कहने कोई। लेकिन आज अधिक संख्या उन्हीं लोगों के है जो गलत को सही और सही को गलत, कैसा मैं प्रमाण दे देता हूं। 1857 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों ने बिगुल बजाई और उसमें नवारों के कितने लोग मरे, मरे कि नहीं मरे, एक जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे हैं उतने 3 दिन पूरा समय लग जाएगा उन लोगों का नाम गिनाने में। और मैं तो इसी बंगाल प्रांत का रहने वाला हूँ, बंगाल प्रांत ने एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ने जितना बलिदान दिया है तो पूरे भारत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी भाषियों को मालूम नहीं है कि मिदनापुर जिला कहाँ है और कितने माधवगिरी हाजरा का नाम, माधवगिरी हाजरा का नाम अगर कलकत्ता वाले जानते होंगे तो मोमेंट स्पोर्टिंग के पास लगा हुआ है, उनको देख करके जानते होंगे, वरना माधवगिरी हाजरा कौन थी, कहाँ की थी, अब अकाली लोग नहीं जानते। तो ये मत समझिएगा कि मैं प्रांतिकता का प्रचार कर रहा हूँ, जो इतिहास साक्षी है। तो बंगाल प्रांत ने इतना बलिदान दिया, इतना बलिदान दिया क्योंकि अंग्रेजों को घुसाने में गलती भी बंगालियों की थी, तो उनको अपना गलती का काम याद आता तो भुगत नहीं था। तो ये जो 90 वर्ष के दरमियान में जो लड़ाई लड़ी गई, जो लोग मरे, इतने मरने के बावजूद भी हमें सुनाया क्या जा रहा है, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना कड़क बिना ठाक, तो फिर सच क्या है। इसलिए भाई मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि सत को सब मिल करके तिलांजलि दिया है, सत को अपनाया, अपनाना नहीं चाह, सत को जानना नहीं चाह, सत को सुनना नहीं चाह, सत को आचरण में लाना नहीं चाह, ये सब सत पद ही मिलकर के, सबने मिलकर के सत पद को डाला कर दिया। और हम लोग उसी सच्चाई को लेकर के चले, क्योंकि
सच्चाई को जब सच का प्रचार में कमी आई ना, सत्य के प्रचार के या सत्यवादियों के प्रचार में कमी आई तो असत्यवादी हावी हो गए। अब हम लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा असत को मिटाने के लिए, और असत को अंधकार को मिटाना सत के द्वारा ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है नगर, उस बिगड़ी नगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, कर बदलना इंसान का सर को बदलना चाहता है केवल विचारों के माध्यम से, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो हम लोगों को अंगड़ाई लेना पड़ेगा, इससे पहले हमें कामयाबी मिलना है, हमें सर्वबद्ध तरीके से। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यही कहा ना कि संघ शक्ति जुड़ी हुई, संगठन में ही शक्ति है, 10 का लाठी 1 का बोझ। तो हमें ये सब मतभेद को अब छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के लिए, साकार पूजे निराकार पूजे मूर्ति पूजे की ना पूजे, ये सब थोड़ा देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीयता के प्राधान्यता के प्रचार में ऋषि दयानंद का इतना बड़ा योगदान है, मैं एक जन्म में बता करके सब हम नहीं करता। इसलिए तो हमारे लेखकों ने लिखा है 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे एहसान दयानंद के फिर भी ना। अब आप लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दयानंद को आप लोग पढ़िए, कुछ देर के लिए विवेकानंद को अलग रख दीजिए, कुछ देर के लिए राजा राममोहन राय को पढ़िए, कुछ देर के लिए चैतन्य महाप्रभु को पढ़िए, कुछ देर के लिए देवल ऋषि को पढ़िए। परमतन का काम वहां से शुरू हुआ है, स्वामी सदानंद दयानंद से नहीं, तो लोग जानते ही नहीं है। कुछ देर के लिए आप ऋषि अरविंद को पढ़िए, कुछ देर के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़िए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं माना है कि योगेश्वर कृष्ण जैसे तो चरित्र ही थे, कोई उन्होंने इतना उज्जवल चरित्र चाया है कि मुकाबला नहीं। तो आप थोड़े देर के लिए इन सब लेखकों को पढ़ना चालू करें। मैं तो खासतौर से बंगालियों से यही व्यक्ति करता हूं